माय डियर टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है बेटा, डिपेंड सीक्वेंस पे ही है। इसका मतलब पहले हमें सीक्वेंस आना चाहिए, उसके बाद ये, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी वैसे ही है, जो कोड हम कर रहे थे, मिक्सड कोडिंग, नंबर कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग, जैसे सीक्वेंस में, ठीक है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन होगा आपको, ऐसे है, आप क्वेश्चन चेक कीजिए प्लीज। इफ टी इज कोडेड एज UFB, व्हाट इज द कोड ऑफ कैट। अगर हम टी को टी नहीं पढ़ रहे, टी को क्या पढ़ रहे, तो आपको बताना है इस हिसाब से कैट का कोड क्या हो सकता है। कैट का कोड तो कुछ नहीं है, ये जो टी है ना, टी ई ए, टी बना है यू, तो प्लस वन है ना, टी के बाद क्या आता है यू, ई के बाद क्या आता है एफ, प्लस वन ए के बाद क्या आता है, सो टी इज कोडेड एज, इज इट क्लियर। सो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ कैट। अब मुझे बताए जो कैट है ना, क्या बनेगा, टी क्या बनेगा और क्या बनेगा, सो डी बी यू इज योर आंसर, इज इट क्लियर। समझ आया, तो है ना सीक्वेंसी, सीक्वेंसी है ये, टफ मत लग रहा है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, इफ टी इज कोडेड एज UFB, व्हाट इज द कोड ऑफ कैट। सो टी UFB, बेटा डोंट वेस्ट माई टाइम, ठीक है, हमें बहुत पढ़ना है, ठीक बेटा। जल्दी जल्दी अगर आपको हो सकता है ना, फोटो नहीं उठाने हैं, आपको है, अवेलेबल है, मैं आपको डेटा भी दूंगा, ठीक, समझ आ रहा है। तो पहला आया है, ठीक है बेटा, ओके। नाउ अगर आप तेज भी लिखोगे, तेज भी लिखोगे, हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है, डॉग इज कोडेड एज CENPFH, डॉग को कोड क्या हमने किया है, NPFH, व्हाट इज द कोड ऑफ लॉइन, आर यू गेटिंग माय डियर। तो हमारे पास क्या है, डॉग, क्या है, डॉग, तो हम ऐसे लिखेंगे DOG। अब डॉग को कोड हमने क्या किया है, देखो CENPFH वही है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे CDE, तो ये बीच में आ रहा है, ठीक है, NP, ठीक है, NOP, समझ आ रहा है, FG, तो आपने ये बीच में रखना है, आर यू गेटिंग माय डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लॉइन, तो हमने लॉइन का कोड निकालना है, आपको नहीं लगता इजी है, अब मुझे बताओ ये बीच में रखना है, KLM, इज इट क्लियर, KLM, आई है HIJ, तो आंसर है KMHJ, है ना, NOP, इज इट क्लियर, MNO, सो योर आंसर इज KMHJNPMO, आर यू गेटिंग माय डियर। टफ लगा, टफ लगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कम एक ज्यादा, जरूरी नहीं है ये, एक कम एक ज्यादा, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द कोड। हाँ, आपको यकीनन ये टफ उतना नहीं लग रहा है जितना इस लड़की को लग रहा है, क्यों, इसने बस वीडियो देखा, प्रैक्टिस नहीं की। वीडियो क्या है, एक ग्लिम्प्स है ना, अबाउट टॉपिक, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर, ओके। नाउ ये हो गया डॉग स्कोड CENPFH, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा, टफ मत लगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने रखा होगा, डॉग इज कोडेड एज BCMNEF, खुद बनाया, ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ लॉयन, ठीक है, तो बता दीजिए क्या क्या है, डॉग है ना, DOG, डॉग इज कोडेड एज BC, सो BC है ना, ये पीछे है ना, दो O को क्या है, MN, आर यू गेटिंग माय डियर, इससे पीछे दो लेटर्स, इससे पीछे दो लेटर्स, तो आपका कोड क्या है, आप लॉइन, ठीक है, अब दो जाइए पीछे, JK, I के पीछे दो, GH, O के पीछे दो, MN, N के पीछे दो, LM, so LM is your answer, is it clear, और समझ आ रहा है,
समझ आ रहा है? और मेक श्योर बेटा, ऑनलाइन वाले जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जिस भी टॉपिक का आप मुझे क्वेश्चन करेंगे ना, पहले मुझे उस टॉपिक की प्रैक्टिस आप दिखाएंगे, तब जाके आप मुझे क्वेश्चन करेंगे। समझ आ रहा है? अगर सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, मुझे सीक्वेंस के कम से कम 4 पेजेस दिखाएंगे प्रैक्टिस किए हुए आप, अदरवाइज क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, 3 तेज मत हो रहा है, सीक्वेंस ही है ना? ओके अब ऐसा है, इफ फ्रांस इज कोडेड एज नेसेफ्रा एंड कैनेडा इज कोडेड एज एडकन, हाउ विल यू कोड मेडिसिन? तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस जो है ना, क्या है बेटा, फ्रांस को हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस को हम पढ़ रहे हैं नेसेफ्रा, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ये 3 जो है ना, ये हम एंड पे जा रहे हैं, ये जो ये है ना, ये पहले आ रहा है। इज इट क्लियर? नाउ कैनेडा इज देयर, कैनेडा इज देयर, कैनेडा को क्या, एडकन, मतलब ये 3 पहले और सी ए एन बाद में। इज इट क्लियर? सो हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्या है, मेडिसिन, तो हमें क्या लिखना है, मेडिसिन। आप मुझे बताएंगे जो मेडिसिन, इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है इसके 2 हिस्से कीजिए, क्योंकि 2 हिस्से यहां पे हो रहे, 2 हिस्से यहां पे हो रहे, 2 हिस्से कीजिए, पहले साइन आएगा उसके बाद मैडी आएगा। टफ लगा, टफ लगा, साइन फिर मैडी, ये वहां पे, ये यहां पे, इज इट क्लियर? साइन मैडी, इज इट क्लियर? तो साइन मैडी समझ आया कैसे आया ये? ठीक है, तो इसने किया क्या, इसने ये जो पहला, मतलब 2 हिस्से किए फ्रांस के, तो 2 हिस्से हो गए 3-3 में, तो ये बाद में आया, ये पहला था ना, ये दूसरा आया, ये दूसरा था ना, ये पहला आया। सो कैनेडा था, ये पहला और दूसरा, पहला दूसरा बना, दूसरा पहला बना। अब मेडिसिन है, इसके 2 हिस्से किए, 4-4 के 2 हिस्से हो गए, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, पहला दूसरा बना और दूसरा पहला बना। और ऑनलाइन वाले आपने समझ आ रहे, ठीक है, समझ आ रहे? चैट में कुछ आया, आया कुछ यहां तक? ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, टफ मत है, टफ मत है। ओके नाउ नेक्स्ट, सो ब्रेन इज कोडेड एज YIZRM, व्हाट इज द कोड ऑफ क्लास? लेकिन पहले मैं, इससे पहले आपको कुछ एक चीज पढ़ाऊंगा कोडिंग में, एक चीज है ये याद रखना बेटा, एक चीज, ये कोड पढ़ाने से पहले, हा बाय लव श्योत जी पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू, लिसन टू मी माई डियर, आपने याद रख करना है, लिखना भी है आप लिख सकते हैं, बाय लव श्योत जी, बाय लव, बाय लव श्योत जी, यहां देखिए पी के आपने देखी है, पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू। सर ये है क्या, ये जैसे कि हम ऐसे लिख रहे हैं ना, ए बी सी डी, अगर पीछे से हम आएंगे, पीछे से, पीछे से जी है, वाई है, ठीक है, एक्स है, डब्ल्यू है, देखो आज यहां पे है, इज इट क्लियर, सी एक्स यहां पे है, बाय यहां पे है, बी वाई, और डी डब्ल्यू यहां पे है, तो ऐसे ही ये कोड्स है, बाय लव शर्ट जी पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू। नहीं समझ आया, फिर से माय डियर, क्या, बाय लव श्योर जी पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू, आर यू गेटिंग माय डियर? इसमें एक कोड आ सकता है, जरूरी मत है सारा आए इसमें, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए क्या है ये, बाय लव श्योर जी पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू, सिंपल, मुझे याद है। अब मुझे बताओ, बी को वाई है, है ना बाय, समझ आ रहा है, आर को आई है ना आई आर, इज इट क्लियर, ए को जी है आज, इज इट क्लियर, अब आई को आर
है ना, एन को एम है, मैंने, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द कोड नाउ, वी किसका कोड निकालना है, क्लास सी एल ए एस एस सी एक्स सी एल को ओ लव ए को जी अज एस एक्स सॉरी सॉरी श्योर जी है ना एस एच समझ आ रहा है एस एच सो यूर आंसर इज एक्स ओ जी एच एच आर यू माय डियर टफ मत लगा ऑनलाइन वालों कहां पे पहुंचे आप समझ आ रहा है कि नहीं समझ आया ये कैसे आया ठीक है आपको ये नजर से आएगा क्योंकि आपको दिखेगा ना कि नहीं ये तो भाई ये तो वो है चलो टाक 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 इज इट क्लियर एक्स ओ जी एच एच मजा आया इसमें है मगर किसे जो प्रैक्टिस करेगा प्रैक्टिस नहीं मैं जस्ट 22-23 क्वेश्चंस दिखाता हूँ ठीक है इसके बाद वहां पे बुक पे कितने क्वेश्चंस है 100 है ना 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ना एंड मेक श्योर वो एक बुक है मार्केट में कितनी बुक्स होगी लेकिन अब मुझे पता है कि इस जो बुक ये करेगा उसे एग्जाम में सारा आता है ठीक है तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस करनी है तो आया ना ये इसके लिए भी आपने याद रखना बाय लव श्योर जी पी के मैंने उफ आज सी एक्स डी डब्ल्यू जे क्यू ठीक है यहां तक ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ऑनलाइन वाले देखते हैं क्या कर रहे हैं यहां तक ठीक बेटा कोई चीज ओके नेक्स्ट देखो रोमन को कोड हुआ है क्यू एम ओ एन ए इटालियन को आप मुझे बताने कोड क्या होगा ठीक है ये बहुत ईजी है आपने जस्ट सोचना है थोड़ा हा देखो रोमन है और ओ एम ए एन रोमन को क्यू कोड क्या हुआ है क्यू एम ओ एन ए लिसन टू मी माय डियर याद रखे जो मैं आपको बताता हूं हमें कोड किसका निकालना है इटालियन का आई टी ए एल आई ए एन है ना अगर मैं आपको बता दूं देखो ये यहां पे आया क्यू आर मतलब ये माइनस वन हुआ है टफ लगा हुआ है ना चेक कीजिए मैं आपने दिखा रहा हूं एन यहां पे आया ए एम यहां पे आया ये यहां पे आया इज इट क्लियर आपने कुछ नहीं करना है पहला जो है ना उसे करना है माइनस वन है ना और क्या बना है क्यू माइनस वन हुआ है अब मुझे बताओ आई को माइनस वन करो एच आया एच ये टी यहां पे आएगा ये ए यहां पे आएगा ये एल यहां पे आएगा ये आई यहां पे आएगा ये ए यहां पे आएगा ये एन यहां पे आएगा हेटल ना ये क्या है एच ए आई है टी एच ए टी I L N A Hetelna Is it clear? टफ मत है मजा आ रहा है ठीक है अच्छा है ना सिंपल जब पढ़ोगे तो आएगा ठीक मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग में आपने समझना है देखो ये आपने जब समझा तब आया ठीक अब जिसने सीक्वेंस नहीं पढ़ा है जिसने अल्फाबेट्स नहीं पढ़ा है उसे कहां ये आएगा और पढ़ना वीडियो नहीं है सिर्फ मेक श्योर वीडियो आपने पढ़ा उसके बाद पूरा एक दिन देंगे आप उस टॉपिक को सर क्यों देंगे आपने प्रैक्टिस करना है तब जाके आपके दिमाग में आएगा समझ आ रहा है उसके बाद आप ये टॉपिक्स पे आए हाँ आज ये फिर कंप्लीट हो जाएगा मैं ये कंप्लीट कर दूंगा इसके बाद इसके साथ कोई रिलेशन नहीं अब अलग टॉपिक्स होंगे क्या होंगे अलग टॉपिक्स होंगे समझ आया बेटा ओके सो आपका हेटलना था आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन So, Cyndia is coded as 712314. What is the code of Canada? देखो CIN क्या है ये? CINDIA. Code क्या है? 712314. C का code है 7, I का code है 1, N का code है 2, D का 3, I का 1. है ना? और A का क्या है? 4. So, what we have to find out? Canada. किसका code निकालना है? किसका कोड निकालना है अब बताओ सी का कोड क्या है
मुझे पता है मैं तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके पास अवेलेबल है, फिर आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं नहीं दिखा रहा था ऐसे क्योंकि उस वक्त आपकी लेवल नहीं थी। अब यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, सी क्या है, ए क्या है, शाबाश, एन क्या है, टू, ए क्या है, फोर, डी क्या है, थ्री, ए क्या है, फोर। सो ये आपका एक ऑप्शन होगा और ये आपका इजी। टफ लग रहा है, ये सच बताइए, टफ लग रहा है, इजी है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा तब है जब प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस किए आओगे ना, बिना स्टैग नाराज को पढ़ा कुछ नहीं आएगा। ठीक, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन 12th टीचर एंड दिस एंट्रेंस टीचर। वहां पे मैं देखता हूँ और था ये दिमाग में शुभ आई समझ इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रेन इज कोडेड एज 5, 6, 7, 8, 9, हाउ विल यू कोड ट्रेन? जल्दी बताओ, 8, 9, समझ आ रहा, प्रैक्टिस लायक है। इफ ट्रेन इज कोडेड एज 5, 6, 7, 8, 9 है ना, हाउ विल यू कोड ट्रेन? 6, 7, 8, 9 तो तब भी बता रहा हूं, टी आर ए आई एन, दैट इज 5, 6, 7, 8। तो आपने कोड बताना है किसका, रेन का। तो रेन का कोड क्या है, 6, 7, 8, 9। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों जरा बात भी कीजिए, बात भी कीजिए, मुझे आपका गुस्सा नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप मुझे बताओ बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। 7, 8, 9, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहां पे बेटा? ये अब नेक्स्ट, दिस वाज 8। इफ सेल्डम इज कोडेड एज 192837, हाउ विल यू डीकोड द फॉलोइंग? 8391 क्या होता है, 2389 क्या होता है, और 298 क्या होता है? तो क्या करेंगे बेटा, सेल्डम है, देखो एस ई एल डी ओ एम, 192। अब मुझे बताइए बेटा आपने क्या बताना है, 8391 बताइए बेटा, 8391 बताओ। 8 का क्या है, डी, 3 का क्या है, 3 का क्या है, 3 का क्या है, ओ। अब बताओ 9 का क्या है, ई, और 1 का क्या है, एस। सो डज इज योर फर्स्ट कोड, इज इट क्लियर? नहीं टफ लगा? नहीं सच बताओ टफ मत लगा? मैं अब भी कह रहा हूं बेटा, मुझे कोई जिद नहीं है आप लोगों का, ठीक, काम करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है, वरना दुनिया में बहुत सारे अफसाने हैं हमें, ये भी आप कह सकते हो, मैं खाला के यहां गई थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, 2, 8, 3, 9, 1 आया, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, 2, 3। अब बताओ 2, 3, 2 का क्या है, एल, 3 का क्या है, ओ, 8 का क्या है, डी, लोड, यही है, टफ लगा, एल ओ डी ई। जरा मुझे बताइए 298 है ना, जो 298, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं बेटा 10 सेकंड, जरा बताओ 298 का क्या होगा, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं ना, देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं। सो 298 है ना, सो एल, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है। अब इमेजिन करो हफ्ते पहले अगर आपको मैं ये क्वेश्चन देता आता, अब क्यों आ रहा है? सो बी विद द प्रॉब्लम यू विल गेट, सिंपल है ना, दिस इज द मोटो ऑफ एंट्रेंस, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आपको आएगा, ठीक है बेटा, ओके, डरना नहीं है। नाउ द बेटा देखो, आर है ना, आर बना है 36, रैट है 78, तो फैन क्या बनेगा? पहले हमें ये दो चीजें डीकोड करनी है, क्या बेटा, ये जो आर है, आर बना है 36, तो आर कैसे बनेगा 36? यू नो आर किस लेटर पे है, इजोटी के हिसाब से याद है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है, आर एस टी, तो आर है 18 है ना, आर क्या है, तो
तो आर बना है 36, आर है 18, सो 18 इंटू 2 क्या बना, तो हमने एक आया, टप मत लगा। सो आर किस लेटर पे है, किस नंबर पे है, ये पता है, पढ़ाया मैंने इजोटी में, या तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 1 2 3 4 5 6 7 18, इज इट 18 इंटू 2 समझ आ रहा है। अब रैट है, क्या है, ओके आर ए टी, हमें कुछ नहीं करना, आर का क्या है 18, इज इट क्लियर, ए का क्या है 1 और टी का क्या है हमें 20, इज इट क्लियर। एक मिनट पहले ये भी चेक करेंगे, इंटू 2 करना है ना, सो 18 इंटू 2 36, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 40, 36 प्लस 2 प्लस 40 78 क्या आया, सामने समझ आया, कोडिंग क्या है, समझ आया ये 78 कैसे किया। अब मुझे आप बताओगे सर इसने मल्टीप्लाई 2 क्यों ही किया, बेटा मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वो आपका काम है निकालना, समझ आया, प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, इज इट क्लियर। हाँ लेकिन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ना आर किस पे है, 18, उसकी प्रैक्टिस की हमने, इज इट क्लियर। तो पहला आर तो इजी है ना, इसने क्यों दिया था आर ही, एक ही क्यों दिया था, क्योंकि आपको जल्दी पता चले, इज इट क्लियर। तो हमें आया ये 78, करना क्या है बेटा, पहले आर निकाला 36, आर किस पे था 18 पे, 18 इंटू 2 ऐसे ही आर ए टी, 18 इंटू 2 1 इंटू 2 20 इंटू 2 आपको पता है ना। तो आपका क्या है, अब फैन एफ ए एन, एफ किस पे है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये 6 पे है, ए किस पे है 1 पे, ये किस पे है ओ है 15, एन ओ 14, हाँ अब इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 2, इज इट क्लियर, इंटू 2 28, एट के 10 10 के 12 आका कैरी के 3 तेते आके गए 4 42 है कोई हमारा, सो 42 हमारा आंसर। कॉपी करो ये, कॉपी करो ये, कॉपी करो, हाँ अगर तू प्रैक्टिस करूँ भी क्या कर, शाबाश चलो। नाउ लिसन टू मी माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एट बना है 20, कैट बना है 60, पर एट क्या बनेगा, एटी क्या है, देखो 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 देखो, हाँ एटी क्या है, तो इसके बाद आया है कैट है ना, तो इट मीन्स सी एड हुआ है ना सी एड, तो कितना हुआ है ये 60। अब हमें पता है ना इसका वैल्यू है 20, तो इसने ये मल्टीप्लाई किया होगा, सी किस लेटर पे है 3 इंटू 20 60, समझ आया, मजा है ना, ओके नाउ आपका क्या है रैट है ना। अब मुझे बताओ ठीक है, ये जो 80 है ना, ये है ना 20, अब R कौन सा है, R है 18, 18 है R, क्यों, इजोटी के हिसाब से O है ना 15, O P Q R, R है ना 18, नाउ 18 into 20 दैट्स इक्वल 360, इज इट क्लियर, तो 360 आपका ऑप्शन है सी, मजा है, और मजा है ऑनलाइन वाला, बात कीजिए ना बेटा आप, वंशिका आप दूर हो गए बहुत, चक कीजिए, देखो मैं इजी दिखाता, इजी क्वेश्चन दिखाता तो चलता, ठीक है आपको लगता कि नहीं, मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि नहीं, कितना डीप हमें जाना है सोचने में, ठीक है कितना डीप जाना है आपने सोचने में, यहां तक ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको, कोई क्वेश्चन, डन नेक्स्ट वन, हाँ नेक्स्ट करे बेटा। So Bandra is coded as 40 and Dum Dum will be coded as Bandra, हाँ क्या Bandra का क्या है 40, B A N D R A, तो ये हुआ है 40,
जरा बताओ बी का क्या है टू, ए का क्या है वन, ठीक है ओ जे के एल एम एन ओ 14, 4, 18, 1, जरा इन्हें प्लस करो, ठीक है 9, त्रुवा सदा अर्धा वो वो जाय कैरी त्रे त्रे चोर, तो ये आया 40। सिंपल, टफ लग रहा है और नजर से टफ लग रहा है, नहीं यार ये तो बहुत इजी है ना, आपने समझ आया सर? अब हमें कैसे पता चला ये बैंड्रा, इसका टू है वन है फोर, हमें टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, मैंने ट्रिक्स आपको बताई है ना, बताई है ट्रिक्स की नहीं, अगर ट्रिक्स बताई है तो आपने करना है। अब मुझे बताओ दम दम क्या है, डी यू एम, डी यू एम निकालना है, नेक्स्ट है ना, हाँ डी क्या है फोर, समझ आ रहा है, ये यू क्या है 24, यू है ना 24, यू है 24, यू क्या है टी है, टी क्या है 20, यू क्या है 21, एम एन ओ 13, इज इट क्लियर? अब ये भी है 4 प्लस 21 प्लस 13, इज इट क्लियर? तो सिंपल, तो कितना आ रहा है, अगर 76 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, इज इट क्लियर? टफ लगा, पैटर्न समझ आ रहा है? तो कभी आप समझो कि सर ने हमें दिखाया ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने दिखाएगी भी नहीं, मतलब इसका मतलब नहीं है कि आपको नहीं आएंगे, इसका मतलब हमने प्रैक्टिस करनी है, बुक पे आंसर दिए है, लॉजिक दिया है, जब सारा दिया है, बस मेरा काम क्या होता है पैटर्न दिखाना, मेरा काम क्या होता है, इज इट क्लियर? ये जरूरी होता है कि सर दिखाए फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करें, ठीक, डन। नेक्स्ट बेटा, ऑनलाइन वालों प्लीज जरा मुझे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समझ आएगी? सर थोड़ा तेज लग रहा है बेटा, यस तेज उसे लगेगा जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आज जरूरी और जरूरी आपने ये वीडियो देखना है, ठीक है। अब मिक्स्ड कोडिंग बेटा, ठीक है, डरना नहीं, बहुत इजी है ये। इफ I 14D9A stands for India, N5P1L stands for Nepal, is it clear? जो है ना 5 है ना E, ये ना EJOB के हिसाब से, नहीं समझ आया? देखो ये है ना A है ना 1, समझ आया? I 14D9A stands for India, है ना 9 है ना I, आपने समझ नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ हाउ विल यू कोड द फॉलोइंग। सबसे पहले गर्ल है GIRL, मगर याद रखना बेटा, पहले याद रखना, अगर आप इसमें देखोगे आई है, पहला है अल्फाबेट, दूसरा है नंबर, तो जी बनेगा, ये नंबर बनेगा, नहीं समझ आया? चेक इट वन मोर टाइम, जैसे कि N5P1L, NN बना है ना, PP बना, LL बना, इट मींस एक लेटर दूसरा नंबर, एक लेटर दूसरा नंबर, एक लेटर दूसरा नंबर, वही है ना, ये तो बता रहा है ना, मतलब कि आपने, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब मुझे बताओ G I नंबर होगा, R तो R होगा, अब बताओ आई का क्या है 9, एल क्या है जे के एल दैट इज जी एन आर 12 इज द कोड ऑफ गर्ल, इज इट क्लियर? समझ आया? सर टफ लगा हमें, ओके नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेक्स्ट वन, गुड जी ओ डी, गुड, देखो जी बनेगा, ओ बनेगा। अब मुझे बताओ ये ओ है ना, इसके बजाय क्या आएगा 15, और डी के बजाय क्या आएगा 4, जी 15O4, जी 15O, इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट वन, ड्रीम, पहला अल्फाबेट, दूसरा होगा नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर,
फिर अल्फाबेट। अब आर का है ना 9, आर का क्या है, शाबाश, ए का क्या है, D18E1M। अब मैन है, वाओ यार, एम एम बनेगा, एन एन बनेगा, ये नंबर बनेगा एम वन एन। तो कैसा लग रहा है अब तक? अच्छा जा रहा है, हाँ मजा है मिक्सड कोडिंग में। ठीक है चलो अब चाइनीज कोडिंग करते हैं, क्या कर लेंगे चाइनीज कोडिंग। तो पहले ये भी है, इफ लॉइनस इज कोडेड एज, इतना क्या है, इजी है ये, लॉइनस इज कोडेड एज, ये स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, ये हैशटैग है, ये एट द रेट ऑफ, ये परसेंट है, और ये डॉलर है, और ये डॉलर है। इज इट क्लियर? सो हाउ विल यू कोड सन, ये दिया है ना। अब मुझे बताओ लॉइनस को कोड दिया है, ये डरना नहीं है, और आपने बताना है सन का कोड क्या हो सकता है। बताइए एस है यहां पे, एस क्या है, डॉलर। ओ बताओ ओ क्या है, अब बताओ एन क्या है, माना मज कैश हताश, समझ आया। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं 11th क्लास ऐसे पढ़ाऊं, एक भी नहीं आएगा, समझ आ रहा है? हाँ, अब अगर मैं ये पढ़ाऊंगा 11th की तरह, दो दिन के बाद कोई नहीं आएगा, समझ आ रहा है? क्यों? हर एक क्लास डिफर्स, हर एक क्लास मांग रहा है अलग अलग तरीका। वो उस तरीके से पढ़ाना है, ये इस तरीके से पढ़ाना है, ठीक। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं वहां पे सार्चो जाड़ो वाला, आर यू गेटिंग माय डियर, यहां पे जानबूझ के हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं ताकि ये खुद सोचे, खुद प्रैक्टिस करे, खुद, वहां पे हम नहीं, इसने क्यों नहीं किया, रीजन है, वहां पे पूरा साल है, यहां पे 45 डेज है। दिस इज द डिफरेंस। ओके नाउ अब क्वेश्चन है, और याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट वन, अगर कॉल्ड होगा, यहां यहां देखिए बेटा, तो मैंने ऊपर आप लिखना वन स्टेप फॉरवर्ड, या आप लिखोगे क्वेश्चन कॉल्ड का मतलब, देखो मैं आपको फिर आप कॉपी करोगे, पहले समझना है। देखो रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड, अब ब्लू रेड है कि ब्लू येलो है ना, या येलो इज कॉल्ड, अब येलो ब्लू है कि येलो, ये मत पता है। तो याद रखना व्हेन एवर देयर इज कॉल्ड, अपने आगे वाला देखना है, वन स्टेप फॉरवर्ड, क्या देखना है, जैसे कि येलो है ना, इसके आगे वाला क्या है, ग्रीन, तो येलो इज ग्रीन, येलो इज, जैसे कि ब्लू है ना, ब्लू येलो है, ब्लू रेड नहीं है, समझ आ रहा है? क्यों? अपने आगे वाले देखना है, क्या देखना है, किस में, कॉल्ड, व्हेन एवर देयर इज कॉल्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड, लाइक रेड इज कॉल्ड, ब्लू इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड, व्हाइट इज कॉल्ड। अच्छा व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास क्या है, ग्रास क्या है, पहले ग्रीन, ग्रास है ना ग्रीन, अब मुझे बताओ ग्रीन ये है कि ये येलो है, सो ग्रीन इज व्हाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, व्हाइट। अब मुझे बताओ क्या होता है ना ब्लू, अब ब्लू का कलर क्या है, ब्लू का रेड है कि ब्लू का येलो है, सो ब्लू का कलर है येलो। अब मत जाया होता है पढ़ना, नहीं मुझे बताइए कॉल्ड में क्या होता है, वन स्टेप आगे वाला देखो, अगर मींस होगा पीछे वाला देखो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इज इट क्लियर? तो ये आता है एग्जाम में, ये आता है, और दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन क्या है, ग्रीन येलो नहीं है, ग्रीन व्हाइट है, क्योंकि आगे वाला देखना है, किस में देखना है, कॉल्ड में। इज इट क्लियर? कॉपी इट, यहां ठीक है, यहां तक ठीक है। नब ये था कॉल्ड, ये क्या था, अब मींस, मींस वन स्टेप बैक, मींस में आंसर क्या होगा, पीछे वाला, मींस में आंसर क्या होगा, देखो रेड मींस व्हाइट, व्हाइट मींस येलो, व्हाइट का येलो नहीं होगा, व्हाइट का क्या होगा, क्योंकि पीछे देखना है, मींस
मीन्स में क्या देखना है, पीछे, कॉल्ड में क्या देखना है, आर यू गेटिंग माय डियर, मैंने ऊपर लिखा है ना मीन्स ऑन स्टफ बैक। अब जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन होंगे, इसके बजाय कोई और होगा, ठीक। रेड मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई क्या है, ब्लू। अब मुझे बताओ, ब्लू यहां पर भी है, ब्लू यहां पर भी है, ब्लू मीन्स ब्लैक और ब्लू मीन्स येलो, सो ब्लू मीन्स, क्योंकि पीछे वाला देखना है, पीछे वाला देखना है, आर यू गेटिंग माय डियर, ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाइट शर्ट, रेड। टफ लगा, सच बताए, इजी है, सो कॉल्ड और मीन्स समझ आया, ठीक है। ऑनलाइन वालों आपने समझ आया, प्लीज कॉपी इट। चले मैं आपको समझाता हूं बेटा, यहां देखिए आप, अब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इजी है, टफ नहीं है, और आपको आएंगे, ठीक है। याद ऐसे, फ्रूट्स आर स्वीट, 436, लेट्स हैव फ्रूट्स, 214, फ्रूट्स हैव विटामिन, 41, नाउ विटामिन किसके बराबर है, 4K, 1K, 5K के, 2K। तो देखो बेटा क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, लिखा क्या है, फ्रूट्स आर स्वीट, है ना। देखो ये पहले दो आप कंसिडर करें, पहले दो हम कंसिडर करेंगे, कौन से पहले दो हम पहले कंसिडर करेंगे, फ्रूट्स आर स्वीट, लेट्स हैव फ्रूट्स, क्या कोई कॉमन है, ओके, 4, 3, 6, 2, 1, 4, क्या कोई कॉमन है, 4, तो 4, 4, तो फ्रूट्स का क्या निकला है, इज इट क्लियर, टफ लगा, फ्रूट्स आर स्वीट, लेट्स हैव फ्रूट्स, कॉमन क्या था, 4, 3, 6, 2, 1, 4, कॉमन क्या था, 4, तो फ्रूट्स का कोड क्या है, 4। अब दूसरे में, दूसरे और तीसरे में, दूसरे और, लेट्स हैव फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव विटामिन, फ्रूट्स है ना यहां पर भी, तो 4 भी काटेंगे, है ना। अब मुझे बताओ कॉमन है कुछ, हैव और हैव, तो यहां पर क्या है, 1 और 1, हैव का क्या आया, 1। अब क्या बचा, अगर हैव का ये बचा ना विटामिन, विटामिन का कोड क्या होगा, दिस कॉल्ड चाइनीज कोडिंग, क्या कहते हैं, कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, सीजर 7, देखो सीजर 7, वीसा सीज, वीसा पहले दो में देखते हैं, देखो सीज, अब बताइए सीजर 7, वीसा सीज, कॉमन क्या है, तो यहां पे सीज है और यहां पे सीज है, कॉमन है, 712523, क्या है, 2 और 2, तो इट मींस सीज का कोड क्या है, 2, ओके। नाउ दूसरे और तीसरे में, वी सा सीज, वी आर हैप्पी, अब मुझे बताओ कॉमन क्या है, वी, वी और वी, दूसरे और तीसरे, पहले 3 और 3, इज इट क्लियर, तो वी, V का क्या आया, V का आया 3। अब मुझे बताओ यहां पे आया ना सा, यहां पे आया ना सा, है ना, सा का है ना 5, बचा ना यही, सा का क्या है 5। अब मुझे बताए हमें किसका बताना है, हैप्पी का। अब मुझे बताओ आर हैप्पी आर 7, एक मिनट, आर हैप्पी आर 7, व्हाट इज कॉमन, यहां आर है और यहां आर है, 1 और, हैप्पी का क्या है 6। समझ आया, टफ नहीं है ये, टफ बहुत इजी है, जस्ट ठीक। आर यू गेटिंग माय डियर, प्लीज कॉपी इट। बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन, रोज इज रेड, इच क्वेश्चन है, ठीक है, रोज इज रेड, कलर इज गुड, गिव रेड रोज, नाउ गिव इज इक्वल, ठीक है। करेंगे क्या, सबसे पहले कॉमन देखते हैं पहले दो में, ठीक है। अब बताए रोज इज रेड, कलर इज गुड, इज और इज है, तो बता दीजिए इज का क्या आएगा, 7, ओके। नाउ अब मुझे बताए गिव रेड रोज, लिसन टू मी, यहां पे और यहां पे कोई कॉमन नहीं है, पर
रोज रेड गिव रेड रोज में कॉमन है, इज इट क्लियर? अब पहले और तीसरे में कॉमन है क्या है, रेड और रेड, 98985 क्या है कॉमन, क्या है 98 और 98, क्योंकि यहां पर भी रोज है यहां पर भी रोज है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ अगर 9898, देखो 98 है ना, देखो 98 है यहां पे, इज इट क्लियर? और रोज रेड रोज है ना, रेड रोज, एंड वी डोंट नो रेड 9 है कि क्या है, हमें उतना नहीं पता, लेकिन हमें निकालना क्या है, गिव, गिव का होगा ना, ये रेड रोज खत्म हुआ, सो जो 5 होगा वो किसका होगा, गिव। तो क्वेश्चन कभी समझना है पूछता क्या है, क्वेश्चन कभी समझना है पूछता क्या है, मैं फिर से दिखाता हूं आपको ये, ठीक है? क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपको नहीं लगता ये इजी है अब, ठीक है? सो रोज इज रेड, रोज इज, नाउ लिसन टू मी, रोज इज रेड, कलर इज गुड, गिव रेड रोज। अगर आप पहले और तीसरे में देखोगे ना, दो कॉमन है, रोज और रेड। चलो दूसरा देखते हैं, रोज इज रेड, कलर इज गुड, इज और इज, तो इज क्या है 7, समझ आया? तो ये 7, ये 7 कट। अब आप चेक कर रहे, ठीक है? अब दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है, देखो यहां पे रोज रेड है, यहां पे रेड रोज है, यहां पे 98 है और यहां पे 98 है, तो रेड रोज का होगा 98, रेड रोज का क्या होगा 9, रेड रोज का क्या होगा 98, लेकिन ये पता नहीं 9 रेड का है कि 9 रोज का है, ये मत पता है। अब बचा क्या यहां पे, अगर ये खत्म हो गया, गिव, गिव का क्या है, तो हमें क्या निकालना है, हमें गिव ही निकालना था ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म इज गुड, आई लव फिल्म, फिल्म हैज लव, नाउ हैज, नाउ हैज का क्या होगा, हैज का क्या होगा, खुद कीजिए, मैं आपको देता हूं अराउंड 30 seconds, प्लीज कॉपी, जल्दी 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 कीजिए, मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले दो करते हैं काउंट हम, फिल्म इज गुड, आई लव फिल्म, सो देयर इज फिल्म एंड फिल्म, यहां पे 6, यहां पे 6, फिल्म का क्या आएगा 6, ओके? नाउ फिल्म अगर होगा, फिल्म का है ना 6, ये कट है, ये कट है, इज इट क्लियर? नाउ दूसरे में है, दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, आई लव हैज लव, लव और लव, देखिए 5 और 5, तो लव का क्या है, लव का है 5, एक मिनट, हमें हैज का निकालना है ना, हैज का होगा 9, एंड इवन हम आई का भी निकाल सकते हैं 1, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ है, इज इट क्लियर? टफ लगा, टफ लगा, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, लास्ट वन माय डियर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेडरर एंड नडाल आर राइवल्स, चीना ली बा पी, बोथ राइवल्स प्ले टेनिस, की बा लो था, फेडरर प्लेज एक्सलेंट, डा की ची, फाइंड आउट द कोड्स ऑफ राइवल, फेडरर प्लेज एक्सलेंट, वैसे ही है जैसे हम कर रहे हैं ना, ठीक है? तो पहला है ना, फेडरर एंड नडाल आर राइवल्स, बोथ राइवल्स प्ले टेनिस, कॉमन पहले दो में, फेडरर एंड नडाल आर राइवल्स, बोथ राइवल्स प्ले टेनिस, कॉमन क्या है, तो राइवल्स आया यहां से और राइवल्स आया यहां से, चीना ले बा पी, की बा लो था, बा है बा, बा, तो राइवल्स का क्या आया, टफ लगा, समझ आया? अब फेडरर एंड नडाल आर, फेडरर प्लेज एक्सलेंट, देयर इज फेडरर, समझ आया, देयर इज फेडरर, चीना ली पी, दा की ची, ची ची,
फेडर का क्या आया? जी। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, अब दूसरे और तीसरे में प्ले इज एक्सलेंट, बोथ प्ले टेंस, प्ले और प्ले है, प्ले और प्ले है ना? सो प्ले प्ले, द की ला था, की लो था, की तो प्लेस का क्या आया? की। इज इट क्लियर? अब क्या बचा? एक्सलेंट, एक्सलेंट का क्या आया? कोडिंग डिकोडिंग, समझ आया? कुछ तो सिखाया ना मैंने सीयूईटी में, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर, आप मुझे बेटा ये क्वेश्चन आप खुद करें, आपको आएगा प्लीज। Four, three, two means grass is green. Three, one means green tree. One, six, two means tree is long. What is the code of grass, green, tree, is and long? Okay. Oh, grass is green, and 3-1 means green tree. So what is the common? Three. So common है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे check करेंगे but three और three common है, ठीक है? So green और green. So three का क्या आया बेटा? Are you getting my idea? अब इसके बाद अब वन का होगा ना ट्री, यहाँ का होगा ना, वन का क्या होगा? वन का होगा ट्री, तो ट्री कटा है यहां से। अब 4-2, 6-2, what is common? Grass is long, टू और टू, is और is, टू का क्या है? Is it clear? अब बचा ना सिक्स, वहां पे सिक्स का क्या होगा? ओके, और वहां से बचाना फोर, फोर का क्या होगा? ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर कोडिंग डिकोडिंग। आई होप कि आप क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस नहीं सिर्फ, बुक के भी क्वेश्चंस आप करेंगे। अगर आप बुक के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आएगा, नहीं करते हैं नहीं आएगा, ठीक है? और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इट मीन वी डिजर्व लाइक, ठीक? रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।